आज हमारा चौथा दिन था आईडीपी पे, और आज समझ में आ रहा है कि सारे टीचर्स मिलके काम कर रहे हैं। वो हमसे मिलके समझ के सिमिलर किस्म की चीजें अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीके से करा रहे हैं, ताकि हमारे अंदर कुछ कुछ नया डेवलप हो। जैसे जब हमने आज तूर्मा सर की क्लास करी सुबह वॉइस क्लास, तो उन्होंने हमें सबसे पहले तो जो आज तक वॉइस एक्सरसाइजेस कराई हैं उनको रिपीट करवाया। उन्होंने जो नई चीज उसमें डाली वो ये थी कि आप एज अ ग्रुप खुद करें। तो उनको कोशिश कर रहे थे कि हम एक ग्रुप की तरह इमर्ज हो और निकल के आए। तो वो एक कनेक्शन आ रहा था कि हम साथ में 12 लोग क्लास के अंदर बैठे हैं, मगर साथ में शुरू करना है और उसको साथ में खत्म करना है, चाहे जो भी वॉइस एक्सरसाइज हो। और उन्होंने साथ साथ ये भी समझाया कि कैसे बॉडी और वॉइस कनेक्टेड है। उन्होंने बताया कि कैसे हम कोई मूवमेंट डाल के और अपना डायलॉग बोल सकते हैं, या हम गाना गा सकते हैं, और उससे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। वॉइस ऑब्वियसली बॉडी और वॉइस कनेक्टेड है, पर उन्होंने करके जब दिखाया अपने मोशन में और जब हमें समझाया, तो अब समझ में आ रहा है कि वो कुछ कनेक्शन हम लोगों के अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम तरीके से जब सेकंड क्लास हुई हमारी प्रभात सर के साथ, तो उन्होंने हमारे को सेम एक्सरसाइजेस कराई, रिपीट कराई, पर उन्होंने भी वही कराने की कोशिश करी कि कैसे एज अ ग्रुप हम खुद करते हैं और खुद खत्म करते हैं। वो हमें गाइड ना करें, बल्कि अब हमें मालूम है तो हम कैसे साथ में सब शुरू करें और साथ में सब खत्म करें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज निकल के आ रही है। एज अ ग्रुप अब ज्यादा कनेक्टेड भी फील हो रहा है। और फिर उसके बाद हमारा लंच के बाद शंकर सर के साथ क्लासेस थी, तो उन्होंने भी कुछ ऐसी ही कोशिश करी शुरू में वार्म अप कराने के लिए। उसके बाद उन्होंने हमें होमवर्क दिए थे, एक अपना पीस तैयार करके लाना था और एक कैरेक्टर स्टडी, तो ऑडिशन पीस तैयार करके लाना था। तो ऑडिशन पीस करवाया उन्होंने सबसे एक एक करके आराम से, कोई जजमेंट नहीं, उन्होंने बड़े आराम से प्यार से कराया, खराब बुरा किसी को नहीं बोला, पर उन्होंने साथ साथ पॉइंटर्स दिए कि किसने क्या करा और किसने क्या नहीं करा। जैसे किसी की वॉइस तो ठीक थी मगर मूवमेंट ठीक नहीं आ रहा था, किसी का थॉट और वॉइस, वो साथ थॉट और डायलॉग साथ में नहीं जा रहा था, आगे पीछे हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि कैसे छोटे छोटे नुआंसेस पकड़ के हम परफॉर्मेंस को अच्छा बना सकते हैं। फिर उन्होंने कैरेक्टर स्टडी वाली एक्सरसाइज कराई और उससे वो कुछ निकालना चाहते हैं, उन्होंने बोला हम सबको करा करके, तो हम उस इम्प्रोवाइजेशन का वेट कर रहे हैं। थैंक यू।